अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादवान फ्रॉम डेली इन्फॉर्मेटिव फीके। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ग्राफिक कार्ड के हवाले से काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि एडिटिंग कार्ड ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से वीडियो शेयर करें, हमें अपडेट्स दें, क्या उनकी प्राइस है, क्या ये लोग वारंटी देते हैं। तो हम मौजूद हैं सदर रीगल ट्रेड स्क्वायर में, पेंटागोन के नाम से शॉप है, शॉप के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राफिक कार्ड्स बताएं व्यूअर्स को, नीचे से अगर हम ऊपर जाएं। ज़ोरटेक का 1650 अवेलेबल है 52,000 में, और ज़ोरटेक का 1660 अवेलेबल है 95,000 में। ज़ोरटेक का 1660 95,000 में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास ज़ोरटेक का 3060 अवेलेबल है, वाइट एडिशन वाला, इसकी प्राइस है 160। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अभी जो है वो ये आए हैं 1650 GTX। ये सिस्टम पुल्ड कार्ड हैं, डेल की बॉक्स पैक मशीनों से पुल्ड किए हैं हमने। इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, ये 40,000 रुपये में हम सेल कर रहे हैं यहाँ से। ये इंपोर्टेड होते हैं शिराज भी? जी, ये बिल्कुल इंपोर्टेड मशीनों से निकले हुए ब्रांड न्यू कार्ड हैं। इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मशीन से निकले हुए सिस्टम पुल्ड कार्ड हैं, बिल्कुल नए, यूज़ नहीं हुए हुए। इसकी क्या प्राइस है? ये 40,000 रुपये में दे रहे हैं हम। वारंटी? वारंटी 1 महीना चेकिंग हम कस्टमर को दे रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा शिराज भी अगर पूछें, और यही कार्ड अगर आप हमसे नया लेना चाहते हैं जो बॉक्स पैक के अंदर अवेलेबल है 1650 ये रखा हुआ, ये 52,000 में अवेलेबल है 1 साल वारंटी के अंदर। और इसके अलावा इंटेल की 11 जनरेशन भी आ गई है अब, इसमें 11 जनरेशन के मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं, ये 560 सीरीज़ के, 590 सीरीज़ के। और इसके अलावा 10 जनरेशन के मदरबोर्ड रखे हुए हैं, AMD के ORS के बोर्ड रखे हुए, राइजन के लिए टफ का बोर्ड है, 9 जनरेशन के अंदर MSI के मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं। इनकी प्राइजेज यार अभी ऐसा है कि तकरीबन 20,000 के अंदर है 560 का मदरबोर्ड, और 590 का मदरबोर्ड है 35,000 के अंदर। और ये AMD राइजन के लिए बेस्ट मदरबोर्ड है, ORS A520 ये हम दे रहे हैं 20,000 रुपये में। और ये जो है 3500X और 3600 के लिए बेहतरीन मदरबोर्ड है राइजन के लिए। और इनकी बात की जाए, बस ये तो ये वाले कार्ड 1050 Ti अवेलेबल है, और ये GTX 780 अवेलेबल है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 33,000, GTX 1050 Ti 33,000 का अवेलेबल है। और ये GTX 780 है 3GB 384 bit, ये 28,000 का अवेलेबल है। इसके अलावा ये GTX 1060 अवेलेबल है 3GB में 42,000 का। और ये इसके अलावा Asus के 750 Ti अवेलेबल हैं, इसकी प्राइस है 17,000 का। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो ग्राफिक कार्ड के हवाले से। शिराज भाई आपको अपना नंबर दे देते हैं, बाय द वे इनकी स्क्रीन पे नंबर इनका चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कंप्लीट एड्रेस और नंबर आपको मिल जाएगा। जिन भाई ने भी लेना हो इनसे रब्ता कर सकते हैं, फिर भी इनसे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पूछ लेते हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0334-360-6474, और एड्रेस है मेरा शॉप नंबर F44 रीगल ट्रेड स्क्वायर फर्स्ट फ्लोर कराची। ये इंपोर्टेड होते हैं ना? ये सब मशीनों से निकले हुए पोल्ड कार्ड होते हैं मेरे पास, वो माइनिंग के यूज़ हुए हुए कार्ड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते, जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं और फिर लोग उनको 3-3 महीने वारंटी में बेच रहे होते हैं। मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मैं सिस्टम में से खुद निकालता हूँ कार्ड और वही बेचता हूँ, ताकि यार किसी के पास अगर चले तो वो चल सके कार्ड, ये ना हो वो 3 महीने बाद बेचारा परेशान हो जाए कि यार कार्ड ख़राब हो गया मेरा। तो व्यूअर्स अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से, मदरबोर्ड्स के हवाले से, इनके पर बिल्डें पड़ी हुई हैं, वो आप चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।